नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शासन ने किराया देने से इनकार किया तो आनंद फानन में परिवहन कार्यालय को आईटीआई परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। इस कार्य को 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक सारे सिस्टम आदि लगाने का कार्य चल रहा है, जिसका परिणाम है कि अब तक वहां सारा कार्य बाधित है। नगर के हरबंसपुर में परिवहन विभाग का कार्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा था। परिवहन आयुक्त ने 1 सितंबर को भवन में किराया देने से इनकार कर दिया। वहीं गंभीर वन में बन रहा परिवहन विभाग का कार्यालय अभी तक हैंडओवर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करना विभाग के लिए चुनौती बन गया है। आनंद फान में विभाग ने इसे आईटीआई परिसर में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। शनिवार से ही कार्यालय को शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू हुई, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी, जिसका परिणाम रहा कि सोमवार को परिवहन कार्यालय में कोई कार्य नहीं हुआ। वहीं मंगलवार को भी फाइलों की शिफ्टिंग के साथ ही कंप्यूटरों को लगाने का कार्य चलता रहा, जिसके कारण मंगलवार को भी कार्यालय में कोई कार्य नहीं हुआ। आरटीओ आरएन चौधरी ने बताया कि किराए में जिस भवन में कार्यालय चल रहा था वह काफी जर्जर हो गया था, उनका प्लास्टर आदि गिर गया था, जिसके कारण वहां रहना खतरे से खाली नहीं था, जिसके कारण कार्यालय को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। जगह कम है, लेकिन इसमें हमारा कार्यालय तैयार हो रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है। हमारी बात कीजिए, जल्द ही हम हैंडओवर हो जाएंगे। उम्मीद है कि कल से कार्यालय का काम शुरू हो जाएगा। वहीं दुर्वासा धाम से आए संजय कुमार ने बताया कि लाइसेंस टेस्ट देने के लिए आए थे, लेकिन विभागीय कर्मचारी यह कहते हुए मना कर दिया कि कार्यालय शिफ्ट हो रहा है, टेस्ट नहीं होगा। बताया कि वह दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली यहां से लाइसेंस टेस्ट के लिए आए थे, लेकिन टेस्ट नहीं हो रहा सका, अब उन्हें दोबारा आना पड़ेगा। अनावश्यक रूप से उन्हें परेशानी का सामना कर। संजय, कहां से आ रहे हैं आप? दुर्वासा। यहाँ किस लिए आए हैं, कहाँ पे आए हैं आप? लाइसेंस की टेस्ट के लिए आए थे हम। तो क्या आज आपका डेट था क्या? हाँ, आज हमारा डेट था। तो क्या हुआ? तो वो मना करने के लिए कि आज नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे, हमें तो दिल्ली से बुला लिया यहाँ पे फोन करके, यहाँ आ जाइए, आज टेस्ट है आपका, तो आज हमारी टिकट भी है, आज हम टेस्ट देकर चले जाएंगे। तो टेस्ट तो होगा नहीं, अब नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा आना पड़ेगा, मैं दोबारा जाऊंगा वहां से, दोबारा टिकट कराऊंगा, दोबारा आएंगे। पुराने स्थान से स्थानांतरित हो गया है, तो इस तरह की सुविधाएं हो रही है, क्या दिक्कतें थी और कहां संचालित किया जाएगा? हमारी जो एआरटीओ कार्यालय की बिल्डिंग थी वो काफ़ी खराब अवस्था में थी, कभी कभी उसमें से चूना पत्थर भी गिरता था, तो वो रिस्की था। और वहाँ पर फाइलें बहुत, क्योंकि पुराना बिल्डिंग है, फाइलें खराब हो रही थी लग रही थी, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है आईटीआई में। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर सरकारी भवन है, यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। आरटीओ विभाग द्वारा सर अभी शिफ्टिंग में कितना समय लग जाएगा और आम जनता को कैसे यहाँ तक पहुँचने में आपको? शिफ्टिंग हो गया है, हमने खाली कर दिया वहाँ पर, थोड़ी बहुत 100-200 फाइलें बच्चों को भी आ रही हैं, बाकी समारा आ गया है, जल्दी हम यहाँ काम शुरू कर देंगे। उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी उसको तैयार करके दे रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं बचा है, तो संभवतः जल्दी मिल जाएगा वो बिल्डिंग, तो फिर वहाँ अस्थायी व्यवस्था हो जाएगी। सर, वो जो आवेदन कर चुके थे जिनको नंबर मिल चुका था, उनका काम होना था, वो किस प्रक्रिया में किया जाएगा? नहीं, वो 1-2 दिन रीशेड्यूल कर देंगे, हो जाएगा, बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर देते हैं, किसी पब्लिक की असुविधा नहीं होने पाएगी। ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।